कितना दिन से बैठा दिया? 2 महीना से। कितना खराब बात है जी, मैंने 60 साल काम किया, पेंशन वेंशन जो काटा वो खत्म कर दिया, कंपनियां तो एकदम कहा उसको मैंने घूर कहा देते हैं। हो रहा है तो हम लोग आ रहे हैं तो गेट बंद कर देता है वो, गेट बंद। ड्यूटी तो 8 घंटा 16 घंटा कैसे करा रहा है? 16 घंटा ड्यूटी कराता है, मजबूरी है और दबाव बना के कराता है, नहीं करने पर हटा दिया। 3-4 महीने से बैठाया गया है। 3-4 महीने से बैठा दिया मतलब 31 मार्च से बंद है। आप लोग के हटा दिया काम से? हाँ, हम लोग के हटा दिया अभी फिलहाल। क्या कहना चाहते हैं सरकार से? सरकार से हम लोग यही मांग करेंगे कि हम लोग जो मांग किए हैं वो बोला देख ले, अपना से स्पष्ट देखें और उसमें जो है सब मांग पत्र स्वीकार करें, और इससे ज़्यादा क्या बोले हम। लेबर के साथ में दुर्व्यवहार किया जाता है और मनमाना तरीका से काम कराया जाता है, जो नहीं हम लोग का काम है वो भी कराया जाता है। माने क्या समस्या आ गया जी? यहाँ मजदूरों की समस्या है, छोटी मोटी गलतियाँ करने पर यहाँ पर बिहार फाउंड्री के मजदूरों को निकाल दिया गया है, और इसी समस्या को लेके गए थे वही इल्जाम लगा दिए, अब क्या लेके लगाएगा। कितना दिन से बैठा दिया? 2 महीना से। इस चैनल से अगर देखता होगा आपका प्रबंधक तो क्या बोलिएगा उसमें? हमको को उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। माने फिर से ज्वाइनिंग कराएगा कि नहीं कराएगा, ऐसा कुछ कराएगा तो देखिए अगला पार्टी अब क्या बोल रहा है। तो ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया का, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे ऐसे काम करने वालों को निकाल दिया, लेकिन इनका क्या समस्या है दादा? हमें समस्या है जो रिटायर हो गए हम लोग, साल भर हो गया था, अब खाली पेंशन मिला, पीएफ कटा वो पैसा मिला, और जो छुट्टी जो हम लोग को बनता है वो पैसा नहीं मिला, इसीलिए सर हम लोग आए हैं जी। मैंने 60 साल काम किया उसके बाद अगर पैसा रख लिया, कितना खराब बात है जी। मैंने 60 साल काम किया, पेंशन वेंशन जो काटा वो खत्म कर दिया, कंपनियां तो एकदम कहा उसको मैंने घूर कहा देते हैं। हो रहा है तो हम लोग आ रहे हैं तो गेट बंद कर देता है वो, गेट बंद कर दे रहा मैंने घुसने नहीं देता। अपने आप को हीरो समझ रहा है? हीरो समझ ये रहा। चलिए अच्छा, और लोग से जानते हैं, अपना समस्या बताइए। समस्या ये है कि हम नियमित वहाँ पर काम 7 साल से काम कर रहे हैं, और मेरा योगदान फैक्ट्री के प्रति बहुत अच्छा रहा है। अब एक दिन ज़बरदस्ती में वो काम करवाना चाहता है, जो भी काम है वो काम करवाना चाहता है जैसे तैसे। तो हम अपना ड्यूटी करके 16 घंटा ड्यूटी कराना चाह रहा था, तो उसमें हम फोन करते हैं रामगढ़ में है भाई शर्म नहीं किए, उसी के एवज में हमको बैठा दिया गया है। आज 1 महीना हो गया हमारा, GFCL में हम काम करते हैं। BFCL में काम करते हैं? अच्छा, पैसा उसका देता था सही समय में? पैसा तो सही समय में देता था, लेकिन वहाँ पर मतलब जोर जुर्म बहुत ज़्यादा है, लेबर के साथ में दुर्व्यवहार किया जाता है और मनमाना तरीका से काम कराया जाता है, जो नहीं हम लोग का काम है वो भी कराया जाता है, प्लस 8 घंटा के एवज में 16 घंटा तक काम कराया जाता है। वहाँ जाके रूप में कुछ नहीं, जो हाजिरी है वही दिया जाता है। ड्यूटी तो 8 घंटा 16 घंटा कैसे करा रहा है? 16 घंटा ड्यूटी कराता है, मजबूरी है और दबाव बना के कराता है, नहीं करने पर हटा दिया जाता है। तो मैंने दबाव बनाया, घोर मैंने अत्याचार आप लोग सब जी जी इसी में हम लोग हटा दिया गया। क्या कहना चाहिएगा सरकार से? सरकार से कहना चाहेंगे कि कंपनी को थोड़ा सा दिया जाए, सचेत किया जाए, और लेबर के प्रति थोड़ा सा नियम कानून बनाया जाए, एक यूनियन बनाया जाए, जो कि हम लोग अपना समस्या को रख सके और अपनी बातों को, अपना दुख और तकलीफ को अपना उनके सामने बोल सके। यहाँ ऑफिस आए थे शर्म अधीक्षक वाला में, तो क्या जवाब दिया इन लोग? वहाँ संतावना दिया गया और 4 दिन का मोहलत दिया गया। 4 दिन? 4 दिन में चांस है जी। चलिए एक और है दादाजी, यहाँ जोर लगा। क्यों आए हैं आज, क्या समस्या है दादा? समस्या हम लोग के कोई बड़ा चीज़ नहीं है, लेकिन हम लोग तो डायरेक्ट काम कर रहे थे 2-2.5 साल से, उससे पहले कुछ नहीं होता था, हल्का फुल्का होता है तो उसमें जो है सो आना जाना करते रहते हैं, लेकिन अभी जो है सो फिलहाल जनवरी में हम लोग मांग पत्र से शुरू किए थे, तो अभी जैसे शुरू करवाए हैं मांग पत्र देने के प्रयास किए, कल परसों जो दिए थे DC ऑफिस में, उसमें से जो है सो दिया है उसी से जस्ट 2 महीना पहले हम लोग को जो है सो गेट बंद कर देता है डायरेक्ट, यानी कि कुल मिला के जैसे चल रहा है वैसे ही चलने बोलता है, यानी कि ना ही SIPF दे बढ़िया से और ना ही कोई आगे प्रोसेस बढ़े। कहने का मतलब ये है कंपनी का अच्छा है, लेकिन यहाँ वर्कर भी इसका इंचार्ज जो है वो लोग जो है सो हरामी है, बीच बीचवा में जो बोला जाता है
वो सब बदमाशी करता है, जो काम करता है, जो आगे थोड़ा सा प्रोसेस आगे कराने खोजता है उसको जो है सो गेट बंद कर दिया जाता है। उसी में से हम लोग को जो है सो बंद किया है, उसी में से हम लोग ने कर दिया है। आप लोग के हटा दिया काम से? हाँ, हम लोग के हटा दिया है अभी फिलहाल। क्या कहना चाहते हैं सरकार से? सरकार से हम लोग यही मांग करेंगे कि हम लोग जो मांग किए हैं वो बोला देख ले, अपना से स्पष्ट देखें और उसमें जो है सो मांग पत्र स्वीकार करें, और इससे ज्यादा क्या बोले हम। चलिए इन लोग को फिर से बहाल करा जाए। और अब लोग दिक्कत हुआ, दिक्कत बैठाया गया है। अच्छा, 3-4 महीना से बैठाया गया है। 3-4 महीने से बैठा दिया, मतलब 31 मार्च से बंद है। तो अभी मैंने कुछ पहल हुआ इधर सरकार के यहाँ? शर्म मोदी चक्र बोला कि 4 दिन का टाइम है, 4 दिन देखते हैं क्या होता है। इतने बोल के तो निकल गया। अभी है यहाँ बैठल? नहीं, चल गया। नहीं तो अभी हम लोग चलाते हैं। नहीं चल गया। सरकार से क्या कहना चाहते हैं इस पर? सरकार से क्या बोलेंगे? सरकार से यही बोलेंगे कि अच्छा से, मतलब कोई भी चीज होता है तो उसको अच्छा से दिलाए। चलिए बहुत धन्यवाद। यहाँ क्या हुआ कि देखिए, ये श्रम अधीक्षक का कार्यालय रामगढ़ है। यहाँ पे मजदूरों ने आया था, अपनी समस्या रखा, और हम कोशिश करते हैं थोड़ा चल के देखते हैं, कोई ऑफिसर है तो बात करते हैं। आइए। कैसा करा? मोबाइल को लेकर हम लोग को ड्यूटी से निकाला गया है। अच्छा, और हम लोग यही बोलते हैं कि श्रम अधीक्षक में आए हुए हैं यहाँ, तो हम लोग आए हुए हैं यही ड्यूटी। जोहार। मैंने क्या समस्या आ गया जी? यहाँ मजदूरों की समस्या है, छोटी मोटी गलतियाँ करने पर यहाँ पर बिहार फाउंड्री के मजदूरों को निकाल दिया गया है, और इसी समस्या को लेकर के आज हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आज उन लोग को संकोच किया गया था, जिसको हम लोग भी जानने के लिए आए थे कि आखिर बात क्या है। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि मैंने छोटी मोटी गलतियाँ यहाँ, जब छोटी मोटी यहाँ जो कंपनियाँ हैं, जब देखता है कि यहाँ पर लोग स्थानीय लोग हैं, और स्थानीय लोग अगर छोटी मोटी गलतियाँ करती है तो उनको कंपनी बाहर करने का काम करती है। बिल्कुल उसको कचरे की माफी उसको सोचता है कि यहाँ से बाहर करके उसको निकाल दे किसी तरह का। मैंने ये लोग, मैंने उनको लगता है कि ये लोग मैंने मनमानी करता है, जबकि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर 8 घंटा नहीं बल्कि 12 घंटा, नहीं 16 घंटा, नहीं बल्कि 32 घंटा काम कराया जाता है। अगर 32 घंटा किसी भी आदमी, अगर 12 घंटा, 16 घंटा या 32 घंटा कोई भी आदमी काम करेगा तो निश्चित रूप से उसको आलस आएगी, या किसी प्रकार का उसको कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, या बैठना पड़ेगा, या थोड़ा बहुत आराम करना। 8 घंटा ड्यूटी करने गए तो 15 घंटा, 18, 36 घंटा क्या कराता है? बिल्कुल यहाँ पर कराया जा रहा है, यहाँ पर लोगों के साथ, मजदूरों के साथ शोषण हो रहा है। बिल्कुल शोषण हो रहा है यहाँ पर, जबरन उसको मैंने कराया जाता है उनको, यह चेतावनी दे करके कि यदि आप 16 घंटा या 24 घंटा या 32 घंटा नहीं करते हैं तो आपको इस कंपनी से निकाल दिया जाएगा। इस तरह की यहाँ पर मजदूरों के साथ धमकी करते हैं, उसके मैनेजमेंट करते हैं और कहते हैं कि अगर यदि आप काम नहीं कीजिएगा तो आपको काम से निकाल दिया जाएगा। इस डर से मजदूर यहाँ पर काम करते हैं, और काम करने के दरमियान जब देखते हैं कि मैंने उनको किसी प्रकार का आलस लगता है, या मान लीजिए किसी, कोई भी व्यक्ति अगर 8 घंटा लगातार काम करता हो तो उसको निश्चित रूप से हम लोग 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे के बाद एक ब्रेक होता है जिसमें खाना या चाय नाश्ता का कार्यक्रम रहता है, वो भी चीज़ नहीं हो पाता है। और जब वो चीज़ नहीं हो पाएगा तो निश्चित रूप से उसको आलस आएगी, उसको थकान होगी, और वो थोड़ा सा आराम या मैंने आराम करेगा और बैठेगा तो निश्चित रूप से थकान के कारण उसको नींद या सोने का मन लगेगा। इस तरह से मैंने यहाँ इस फैक्ट्री में हुआ है, जिसके कारण यहाँ के फैक्ट्री महाप्रबंधक ने इन लोगों को संकोच किया था। कंपनी ने जो नॉर्म सत्ता है कंपनी का कि 8 घंटा काम करवाना है, साथ में रेस्ट देना है, भोजन पानी की व्यवस्था करना है, कुछ ऐसा कुछ नहीं करता है? नहीं, ऐसा तो नहीं करता है। यहाँ पर मजदूर का कहना है कि हम लोगों के साथ बिल्कुल सीधा शोषण किया जा रहा है, हम लोगों को किसी तरह का खड़ा मैंने आराम करने का मैंने मौका नहीं दिया जा रहा है, जहाँ तक कि मैंने यहाँ मोबाइल भी ले जाना। ठीक है, अगर कंपनी का कोई नियम है तो निश्चित रूप से उस कंपनी का नियम का पालन करना चाहिए, लेकिन ये चीज़ देखना पड़ेगा कि सिर्फ कंपनी का ही नियम नहीं बल्कि यहाँ पर 8 घंटे का जो प्रावधान है उसका प्रावधान को भी समझना होगा, और उस 8 घंटे में जो लंच का जो कार्यक्रम है, जो लंच का जो मैंने ब्रेक होता है उसको, उस ब्रेक को भी देना होगा। और 8 घंटे नहीं मैंने 16 घंटा और मैंने 24 घंटा कार्य करता है, ये समझ लीजिए कि जानवरों की तरह काम कराया जा रहा है, और यहाँ पर मजदूरों को धमकाया जा रहा है, और धमका करके उसको चाहता है कि यहाँ पर ये लोग काम ना करें, ताकि हम कहीं दूसरे लोगों को मैंने दूसरे बाहर से आए हुए मजदूर के साथ मैंने काम करवाएं।
क्योंकि जानते हैं कि स्थानीय लोग अगर काम करते हैं, काम करने के दरमियान जब उनको लगता है कि मैंने ये आदमी मैंने हम जो कहते हैं वो कार्य को नहीं करता, मैंने एक मामूली सी बात है कि अगर कोई भी आदमी 8 घंटा का कार्य होता है उसमें एक खुशी से उसको अगर मैंने ओवर टाइम दिया जाता है तो 2 घंटा 4 घंटा करेगा, अब फिर उसको 8 घंटा दे दिया जाएगा, फिर 8 घंटा 16 घंटा हो गया, 16 घंटा के बाद फिर 8 घंटा दे दिया जाएगा। तो ये तो बिल्कुल मतलब समझिए कि नियम के खिलाफ है। कोई भी व्यक्ति का शरीर 8 घंटा में ही जवाब दे देता है, लेकिन अपने बाल बच्चे को पालने के लिए अगर यदि वो आदमी 4 घंटा या मैंने किसी तरह करके 16 घंटा करता है तो 24 घंटा करवाना बिल्कुल कानूनन जुर्म है। इस पर आप लोग क्या एक्शन लीजिएगा? बिल्कुल हम लोग एक्शन लेंगे इस मजदूर की जो मैंने बातें हैं। अगर यहाँ पर श्रम अधीक्षक इस बात को अगर नहीं मैंने मनवाती है अगर कंपनी मैनेजमेंट से, तो हम लोग निश्चित रूप से JBKSS के जितने भी साथी हैं हम लोग एक बड़ी रणनीति बना करके बिहार फाउंड्री के ऊपर आंदोलन करने का प्लान बनाएंगे और बहुत बड़ी आंदोलन होगी। चले बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी तरह शोषित वंचित को पीड़ित परिवार के साथ लड़ते रहिए, खड़ा रहिए। अब 24 में जो चुनाव आने वाला है जी, उस पर का कैसा रणनीति तैयार है आपका? रणनीति बिल्कुल स्पष्ट है और हम लोग तैयार हैं। लोगों को लगता होगा कि हम लोग तैयार नहीं हैं, लेकिन बिल्कुल तैयार हैं। लोग और भी पार्टियां हैं उनको लग रहा है कि लोग हवा हवाई है, लेकिन हम लोग कहें ना कहें हम लोग अंदर खाने से अपनी तैयारी करके अभी हम लोग आए हुए हैं और आने वाला समय में हम लोग अपनी रणनीति को दिखाएंगे और देखने को मिलेगा भी। और जो विरोधी पार्टी है उनको समझ में नहीं आएगा कि ये लोग रणनीति आखिर किस तरह से बनाया और कैसे मैंने आज यहाँ पर मैंने पूरे जनाधार के साथ जाएगी। मैंने आगे हम लोग विधानसभा चुनाव में फाइट करेंगे, हम लोग के आगे पीछे कोई नहीं रहेगा, ये सिर्फ भूल रहेगी कि हम लोग जीत रहे हैं या हम लोग का टक्कर में है, कोई टक्कर में नहीं रहेगा। हम लोग के आगे सिर्फ और सिर्फ टाइगर जयराम महतो का ही मैंने चलने वाला है। इस बार विधानसभा में कहीं कोई उसका टक्कर में कोई नहीं रहेगा, चाहे कोई भी कैंडिडेट आएगा किसी भी विधानसभा से, एकदम निश्चिंत रहिए कि जेलकेम एकदम जीत रहा है चाहे जो भी विधानसभा रहेगा। चलिए बहुत धन्यवाद। आप लोग मैंने जो मिसाल बना के रखे हैं उसको नवंबर दिसंबर में फोड़िएगा, हमको उम्मीद है कि 100% आप लोग झारखंड में सरकार बना रहे हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मजदूरों की समस्या के साथ ऑलवेज खड़ा रहते हैं। थोड़ा परिचय इनका हमसे मिस्टेक होते जा रहा, परिचय दादा इसमें दे दीजिए। मेरा नाम राजेंद्र बेदिया है और मैं जेलकेम का केंद्रीय महासचिव संगठन हूँ। और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल के माध्यम को दर्शकों को भी और आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप लोग भी समझिए कि एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आप लोग भी बहुत बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं। आप लोग मजदूर का हक अधिकार को दिखाने का काम करते हैं, इसके लिए हम लोग भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और झारखंडी जोहार करते हैं। चलिए धन्यवाद दादा। मजदूरों के से बात किए, अब थोड़ा यहाँ आए हुए हैं मजदूरों की समस्या लेकर के। ये मैंने हर समय कर्मठता दिखाते हैं, मजदूरों के शोषण के खिलाफ इन्होंने बहुत लड़ाई लड़ा है और ये भी अभी ऑफिसर लोगों से बात की है, आइए रूबरू होते हैं। और सबसे पहले जोहार मांडू चैनल में दादा स्वागत है। जोहार मांडू के चैनल को आप लोग का भी स्वागत है। सबसे पहले आपको बधाई हो कि आपको महामंत्री मिला है आज। पार्टी ने जो हमको समझा जिस लायक थे वो हमको स्वीकार है, इसी तो हम जिला अध्यक्ष में भरे थे, लेकिन फिर हमको संतुष्टि है, जो पार्टी देगा उसी में हम काम करेंगे। कल आपने फॉर्म भरा, आज तुरंत फिर समस्या आया, आप दौड़ के यहाँ मजदूरों के साथ आ गए, तो बहुत अच्छा बात है। लेकिन मजदूरों के साथ शोषण हो रहा है, कैसे लड़िएगा इसको? शोषण तो हो रहा है इसको, झारखंडी इसमें एकता बनाना पड़ेगा। यहाँ देखिए बहुत कोई मजदूर 2-3 महीना से बैठा दिया है, कोई मजदूर को मोबाइल ले लिया है, कोई किसी को गाली दे दिया है, जिसके कारण मजदूर को वहाँ ज्वाइनिंग नहीं दे रहा है। 10 से 12 मजदूर है कि अभी यहाँ आए थे, जिनको हम लोग ने लेबर ऑफिसर से बात किया तो बोला कि हाँ इसको हम समाधान करेंगे, 2-3 दिन का समय लिए। अब 2-3 दिन में अगर नहीं करेंगे तो हम लोग इसकी चेतावनी देते हैं श्रमिक विभाग वाला को कि इनको हम अगर नहीं कुछ करते हैं तो इनका जो कंपनी जितना यहाँ जितना भी फैक्ट्री खोले हैं वो सब हम लोग धरना देने काम करेंगे। धरना देकर अगर ये नहीं सुनते हैं फिर इनको हम क्या बोलते हैं चक्का जाम कर देंगे, उनका आवागमन जो आता जाता है वहाँ फैक्ट्री में मुझे सब बंद करवा देंगे। तो ये पहला मैंने इन लोग तो पहला समस्या ले कर आया है कि और लोग ऐसा समस्या ले कर आता है आप लोग पास? समस्या यहाँ पूरा माने रामगढ़ में अभी हम लोग समस्या पूरा मजदूर का लगभग मैंने
1.5 करोड़ से ऊपर हम लोग मुआवजा दिलाए हैं। ये मजदूर जहाँ डेथ किया है और समस्या जिसका ज्वाइनिंग नहीं हुआ, पहले भी ज्वाइनिंग कराए हैं। इससे पहले मैं दूसरा पार्टी में था तो देखता था, यहाँ एक फ़ोन अगर कर देता था विधायक जी तो ऑफिसर को मारा था, लेकिन एक फ़ोन में उसको ज्वाइनिंग दे दिया था। लेकिन ये सब देखिए, JB Cases वाला या JB Cases पर आता है आदमी यहाँ भरोसा करके, तो ऑफिसर कितना JB Cases के नेता सबको यहाँ वैल्यू नहीं दे रहा है। सोच लीजिए, यहाँ ये विधायक रहा एक बार फ़ोन करता तो ये सबको ज्वाइनिंग हो गया रहता। इसलिए हम तमाम JB Cases के नेता सबको एक होना चाह कर रहे हैं। अभी जो कुछ आए थे, अगर पूरा ज़िला का आते तो ये लेबर ऑफिसर क्या और कंपनी भी यहाँ सुनता। अभी देख रहे हैं कुछ आते हैं कुछ नहीं आते हैं, कोई पोस्ट लिया फिर भी नहीं आ रहे हैं, क्या होता है ये सब। जब तक एकता नहीं झारखंड नहीं बनाएगा तब तक यहाँ झारखंड के लोगों का मैंने काम से लेकर कुछ में विकास नहीं होगा। विधायकी के फॉर्म आपका पार्टी की सुप्रीमो खोला हुआ है, सब विधायक बनने के लिए लगे हुए हैं, अरे समस्या का भी समाधान इतना आ रहा है, सब कैसे होगा क्लियर? मैं विधायक के फॉर्म लिए हुए तो यहाँ टोटल यहाँ हमने जनता को जागरूक करना चाह रहे हैं कि आप भी विधायक बनिए, उस लायक हैं तो आप भी आइए, आप भी अति कीजिए, कोई गलत नहीं कर रहे हैं जयराम। सबको मैंने बढ़ावा दे रहे हैं कि आप भी अपना हक के बारे में जानिए। यहाँ विधायक बनने के मकसद से कोई नहीं आ रहा है, यहाँ अपना हक को जानने के लिए, यहाँ समझिए कि एक प्रकार से आपको फॉर्म जो मिल रहा है वो अपना हक जानने के लिए मिल रहा है। इसलिए हम तो कहेंगे जितना मैंने जितना भी झारखंड में सब आके अपना ट्रायल मारें कि हम अच्छा अगर काम कर सकते हैं झारखंड के लिए, तो उन्हीं का नेतृत्व में हम लोग विधायक का चुनाव लड़ेंगे। मैंने आपका कहना है कि टागर जयराम के ही नेतृत्व में मांडू से भी चुनाव लड़िए। मांडू में भी लड़ेंगे, पूरा झारखंड में लड़ेंगे, लेकिन उसमें भी अगर यदि टाइगर जयराम तो बोल रहे हैं कि जितना भी फॉर्म लेने आ रहा है आओ, जितना भी यहाँ के पब्लिक की समस्या को समाधान करने से सका वही सबको टिकट देना चाह रहे हैं, समझे ना। वो निश्चित नहीं बोले कि मांडू में लड़ेंगे, लेकिन वो भी बोले कि आके अपना समस्या जो यहाँ पब्लिक का समाधान करो, उसी को टिकट देंगे जो मैंने ज़्यादा जानकारी रखता और ज़्यादा समाधान करने का अथी रखता हो, मैंने तत्पर रखता हो। फॉर्म का लास्ट डेट है आज, तो क्या डेट बढ़ेगा कि आज ही ख़त्म हो जाएगा? डेट तो आज ही ख़त्म हो जाएगा, जो था हो गया। अब फिर भी बहुत यहाँ के मैंने जनता सब ने बहुत लिया, लगभग 30 के लगभग ले लिया है, मान लो से यहाँ से लिया 20 बार, वहाँ लिया 15 बार, वहाँ बड़का गाँव में। इसलिए सब जागरूक है, अगर लग रहा है कि JMM BJP कांग्रेस का सफड़ा साफ होने वाला, इस बार JB Cases नहीं आएगी। चलिए बहुत धन्यवाद, इन्होंने अपने अभी हाल ही में आज का ही न्यूज है, इन्होंने महामंत्री मिला है इनको और इन्होंने विधायक का फॉर्म भी भर के आए हुए हैं। बहुत आपको अग्रिम बधाई कि आपको विधायक भी मिल जाए, और हम लोग ऐसे ऐसे नेताओं को दिल में लाना चाहते हैं ताकि पब्लिक यहाँ के समस्या समाधान करें। अंतिम में क्या संदेश दीजिएगा पब्लिक को? अंतिम में यही संदेश देंगे पब्लिक को, झारखंड पब्लिक को, झारखंड के पब्लिक को, ये सब एकत्रित रहिए, आपस में मतभेद मत कीजिए, नहीं तो फिर बाहरी राज करेगा जिस तरह से 10 सालों से राज कर रहा है, उसी तरह से अभी हम लोग को एकता दिखाना है और जयराम को CM बनाना है। चलिए बहुत धन्यवाद, आप कैमरामैन को मैं बोलूँगा दिखा दे सकते हैं, यहाँ शरम अधीक्षक का कार्यालय में अभी रामगढ़ में यहाँ पे हम लोग आया हुआ था और समस्या बहुत गंभीर था, इसीलिए आप थोड़ा और यहाँ देखिए, यहाँ जो समस्या है मजदूरों का समस्या है कि यहाँ बिहार फंड्री में जो मजदूर काम करते हैं उसके साथ शोषण किया जा रहा है, तो कहीं कहीं ये गलत है, तो ये शोषण के विरुद्ध इन लोग आवाज़ उठा रहे हैं, यहाँ शरम अधीक्षक महोदय को दिए हैं लेटर दिए हैं, तो आज इन लोग के बीच में वार्ता होनी थी लेकिन वार्ता नहीं हुई, अगला डेट को मतलब जारी किए हैं कि अगला डेट में इन लोग को पुनः बुलाया जाएगा। कहा है कि अभी मतलब हमको लगभग 4-5 घंटा लगा, इतना सारा यहाँ मजदूर थे, वो मजदूर सब यहाँ पहुँच नहीं पाए थे, कुछ मजदूर पहुँचे थे कुछ नहीं पहुँच पाए थे, तो आज अगला डेट इन लोग मतलब यहाँ बोले कि अगला डेट में सबको बुला लेंगे और उसी दिन वार्ता भी होगी। चलिए अगला डेट कन्फर्मेशन हुआ, आज वार्ता नहीं हुआ है, आज नहीं हुआ है वार्ता, कहे कि केवल समस्या जाना गया है, इधर से समस्या जाना गया है, दोनों पक्ष के लोग थे, मतलब कंपनी प्रबंधक भी थे और यहाँ का मजदूर भी थे, तो दोनों के बीच का समस्या जाना गया है, तो फिर अगला डेट में वार्ता होगी। समस्या समाधान नहीं होता तो क्या करिएगा? समस्या समाधान नहीं होता जाहिर सी हम लोग आंदोलन करेंगे, आंदोलन से भी तो बात नहीं, धन्यवाद आपको।